30 तारीख से फार्म भरे जाएंगे, मुझे भी तो टिकट बांटनी मेरी पार्टी की, मुझे समय नहीं मिल रहा है, टिकट कब बांटू बताओ। अभी मीडिया वाले पूछेंगे आपकी लिस्ट कब आ रही है, मेरी लिस्ट कोई कांग्रेस बीजेपी यूं थोड़ी हर कोई निकाल देंगे लिस्ट। मैं बहुत सोच समझ जीताऊ और टिकाऊ, और आप सबके चेहरे पढ़ के टिकट दूंगा कि चेहरे क्या कह रहे हैं, मजबूती क्या है, जवान क्या कह रहा है, सर्व समाज क्या कह रहा है, उसी व्यक्ति को राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकट मिलेगी जिससे जनता पसंद करती है। मैं मेरी तरफ से कोई टिकट नहीं देता, मेरी टिकटें जनता देती है, और मेरी टिकट के लिए दिल्ली में कोई स्क्रीनिंग कमेटी नहीं है, और दूसरी कौन सी कांग्रेस की कमेटी, सी रामन्याज रेवड़ा पुराना था, सी डब्ल्यू सी रामन्याज पुराना बदमारू पहले का, और मेयर प्रधान रेवड़ा बीजेपी के माय पहले, सी डब्ल्यू सी स्क्रीनिंग कमेटी, प्रभारियों की मीटिंग, यहां तो कोई मीटिंग नहीं। मैं चल रहा हूं ना, मेरे तीनों एमएलए पूछ लेता हूं इनको, बताओ क्या करना है, नौजवान ने फोन करके पूछ लेता हूं। इस समय जब सारे लोग टिकट में व्यस्त है, हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की जनता को सत्ता संकल्प के माध्यम से अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए लगातार लगा हुआ, उसे चिंता नहीं है टिकट, उसे चिंता है कि मैं राजस्थान के भाइयों को जगाऊं और उन्हें उनका हक दिलाऊं और इन दोनों पार्टियों की पोल पट्टी खोलूं आपके सामने। ये चिंता मुझे, जिस तरह आज मुस्लिम समाज के हमारे नेताओं ने प्रिंस साहब ने और ज्वाइन की पार्टी और ये आश्वस्त किया। मैं अनिल को रुतबे पूछ रहा था हमारे चेयरमैन साहब को, अनिल जी क्या आपके शहर में कुछ ठीक कराओ, पिछली बार तो यार बिल्कुल ही 500-700 भी पटक दिया था सिटी के अंदर, तो कह रहे आपके ठीक, मैं भी इतना तो काम भी करा रहा हूँ यार, कम से कम ये तो देखो कि नागौर के पार्टी आरएलपी पार्टी कहाँ की है। बोले साहब आरएलपी पार्टी को बनाने वाला नागौर जिले का है, यही बहुत बड़ी बात हुई, राजस्थान में पार्टी कहाँ बना पाए लोग, इस चीज की वोट दे दो आधे तो। हनुमान जी ने पार्टी बनाई, हमारा भाई है, जब चाहते मिल जाता है, प्रयास करता है, किसान जवान टोल की बात करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है, अपराध के खिलाफ बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। मेरे घर के दरवाजे सर्व समाज के लिए खुले हैं। हाँ एक मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा हैंग हो जाता हूँ चलते, हैंग तो एप्पल का फोन भी हो जाता है, अभी 13 प्रो 14, अब आया 15, थोड़ा ज्यादा करो हैंग। एक व्यक्ति है, कितना लोड है उसके ऊपर बताओ, एक परिवार को चलाने के अंदर दो भाई तीन भाई होते हैं, वो भी नाराज होकर रूठ जाते हैं बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति सबको साथ लेकर चल रहा है। मेरे पास कोई सेठ साहूकारों की फौज नहीं जो मुझे अभी फाइनेंस कर रही हो, चुनाव में साधन संसाधन बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, बिना साधन संसाधन के धन्यवाद दूंगा राजस्थान के किसान के बेटों का, 3 लाख की रैली कराई, 3 लाख की रैली कराई छात्र संघ के, जब चुनाव बंद हुए कोई नहीं बोला राजस्थान के अंदर, एक व्यक्ति बोला ये किसान के बेटे हैं, ये अध्यक्ष बनने चाहिए, ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, चुनाव बंद नहीं होने चाहिए। एक महीना बराबर छात्रों के लिए लगाया राजस्थान को, वो एक महीना मैं चाहता तो एक महीना पहले यात्रा पूरी कर लेता, लेकिन मैं कोई बात पकड़ता हूं उसको बीच में नहीं छोड़ता, प्रयास करता हूं, और मैं छोटे भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि छात्र संघ चुनाव तो सरकार को कराना ही पड़ेंगे, अभी उनके हाथ में कलम है, कलम की ताकत है, चुनाव होंगे आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें, लेकिन आप इस चीज की तरफ ध्यान दें कि कांग्रेस का संगठन है, बीजेपी का संगठन है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का कोई नेता छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में नहीं बोला राजस्थान के अंदर, एक ही व्यक्ति लड़ा राजस्थान में, दर्जनों रैलियां की, और जयपुर के अंदर जब रैली थी तो जब आप की तरह हम बैठे थे, बरसात आ गई, डोम नहीं लगाया, भीग रहे थे बच्चे, जब बच्चों को भीगते हुए देखा तो मैंने कहा मैं ये भीग रहे हैं, मैं यहाँ मंच में अच्छी बात नहीं, तो मैं भी 2.5-3 घंटे उनके साथ भीगा था, नेता तो चुपचाप चले जाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, ये लोग नेता जी भीग दिया, माए ले लो सर, मेरे को अंदर नहीं, मैं उनके साथ भीगा। आपने देखा होगा दुख सुख के अंदर छोड़ के नहीं गया कभी आपको, ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि कुछ व्यवस्था ठीक हुई नागौर के अंदर। पहले हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था, जिन नेताओं के बड़े बड़े नाम थे, देखा मेरा उनको 98-99 में जब आया था तो मैं एक प्रदर्शन को लेके एसपी ऑफिस में घुस गया, 150 को लेके, जब एसपी का ऑफिस उधर होता था पीछे, ये बाद में नया बना था, तो मैं गया तो होचपोच हो गया एसपी सारे शेड कि यहाँ कोई ऐसा आ सकता है क्या। उसके बाद तो रोज काम चालू हो गए, अब तो राजस्थान में जब चाह डीजी सड़क पर आया, जब चाह कमिश्नर आया, जब चाह कलेक्टर आया, जब चाह
एसपी आया, आया कि नहीं आया सड़कों पर? ये तो रोज का ही काम हो गया और कई अन्याय हो गया। मेरे पास टेलीफोन आ गया तो सबसे पहले बयान हनुमान बेनीवाल का आया, तो अन्याय करने वाले मेरी जाति के लोग होंगे, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया कि अन्याय नहीं सहन करेंगे, वोटों की कभी परवाह नहीं की। मैं उन नेताओं को जानता हूं, जब आपकी ये जोधपुर की विश्वविद्यालय के अंदर जब बालिका के साथ रेप हुआ था, वो बीजेपी संगठन के लड़के थे रेप करने वाले। मैंने बीजेपी के एक नेता को पूछा, आप बयान नहीं दे रहे? बोले बयान तो दे दें, लेकिन हमारी जाति के हैं और पार्टी के हैं। वो जाति भी उनकी थी और पार्टी भी उनकी थी, नहीं बोलते। एक व्यक्ति है जो सर्व समाज के लिए लड़ता है, फिर भी लोग कहते हैं ये तो जातिवाद करता है। अरे जातिवाद मैं थोड़ी कर रहा हूँ, 1500 साल से जाति तो लिखी हुई है ही, पहले से फार्म भराती है सरकार, जब उसमें लिखाती है जाति क्या है, पिताजी का नाम क्या है, ये तो सारी लिखी हुई फार्म में भी ही हो रहा है, चुनाव में भी ही लिखा हो गया। अब तो जाति के जनगणना चालू होगी,